आपको फाइव लाइन जो थी वो करवा दी है, तो वो जो फाइव लाइन है उन्हें हम लोग रिपीट करते हैं। देखिए, फर्स्ट लाइन क ख ग घ ड खाली, ओके। नेक्स्ट, च से कमर, च झ न। नंबर थ्री, ट ठ ड ध ण। नंबर फोर, त थ द ध न। नंबर फाइव, नजर आ रहा है आपको, प फ ब भ म। ठीक है, मैंने आपको फाइव लाइन जो थी वो व्यंजन लिखवा दिए हैं, और आज आपको नंबर सिक्स और नंबर सेवन दोनों एक साथ में लिखवा रही हूँ, क्योंकि बेटा जो म के बाद जो हम लोग व्यंजन लिखेंगे वो है य से यज्ञ, र से रथ, व से वक और श से शलगम। सॉरी, र से रथ, व से वक, ओके। जो ये चार जो वर्ण है, य र ल और व, वो आपके सिक्स नंबर की लाइन में आएंगे। मैंने आपको इससे पहले भी समझाया था, हम लोग व्यंजन जो है वो उनकी व्यवस्थित जगह पर ही लिखते हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में फाइव फाइव जो थे वो व्यंजन लिखवाए हैं, 1 2 3 4 5। अब फाइव के बाद मैंने आपको बोला था मैं आपको फोर भी लिखवाऊंगी, तो अब जो सिक्स नंबर की जो लाइन आएगी और सेवन नंबर की जो लाइन आएगी उसमें हम फोर फोर व्यंजन लिखेंगे। तो य र ल व, श से शलगम, षटकोण सपेरा और ह से हाथी। ये दोनों जो लाइन है वो फोर फोर व्यंजन की है, यानी हम लोग चार चार व्यंजन को लिखेंगे। तो चलिए हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को नंबर डालना है ताकि हमें पता रहे कौन सा व्यंजन कौन सी लाइन में आता है। तो सिक्स नंबर लिखिए, य से यज्ञ। कैसे लिखना है? इस तरीके से, जैसे आप लोग थर्मस बनाते हैं, बस थर्मस में आप यहाँ पे मूव करते हो, लेकिन य से यज्ञ ऊपर से मूव नहीं होगा। तो देखिए, य र से रथ, ओके। कैसे लिखना है आपको? इस तरीके से, जैसे आप लोग टू को लिखते हैं। नेक्स्ट देखिए, ल से लट्टू, ल से लड़का। कैसे लिखोगे आप लोग? वन से खींचना है, यहां से वन टाइम, टू टाइम आपको मूव करना है, ओके। नेक्स्ट देखिए, जब व हमने व से पता लिखा था तो मैंने आपको बताया था व से व बनाएंगे, और अगर ये बीच में से हम इसे काटते हैं, कट लगा देते हैं, तो ये बनता है व से बदक। लेकिन अगर हम ये कट नहीं लगाते हैं तो ये बनता है व से वक, ओके। नेक्स्ट देखिए, अब हमारे फोर जो व्यंजन है वो नंबर सिक्स वाली लाइन में कंप्लीट हो गए हैं। रिपीट करते हैं, य र ल व। अब देखिए आपको क्या करना है, ये जो व्यंजन है इन्हें आपको 1 2 एंड 3 टाइम आपको रिपीट करना है, ओके। नेक्स्ट देखिए, नंबर सेवन, आज दोनों लाइन हम लोग एक साथ लिखेंगे, सिर्फ फोर ही व्यंजन है इसलिए। अब देखिए, श से शलगम। कैसे लिखेंगे आप? देखिए, आप लोगों ने र से रथ लिखा है, मैंने आपको बताया र से रथ जो होता है वो किसी तरह होता है। इसी तरीके से हम लोग पहले र को लिखेंगे, यहां से हम इसे मूव करेंगे और ये बना आपका श से शलगम। ये जो है बेटा, इसमें टच नहीं करना है, इसे आप थोड़ा दूर लिखें, एंड अभी टच हो गया था, ओके। तो श से शलगम,
इसके बाद आप लिखेंगे श से षटकोण। पासे पतंग की तरह आपको बनाना है, दोबारा बनाते हैं, श से षटकोण, श से षटकोण। कैसे लिखोगे? आप लोगों ने पासे पतंग और फोर को लिखा है, पहले आप पासे पतंग लिखोगे, उसके बाद आपको इसमें से कट लगा देना है। ये है आपका श से षटकोण, श से षटकोण, श से षटकोण, स से सपेरा। स कैसे बनाना है देखिए, र से रत बनाएंगे, फिर से कट करेंगे वन स्टिक, स से सपेरा। अब देखिए ह से, आप लोग हाथी बोलते हैं, ह से हल भी होता है, ह आपको लिखना है। पहले मैं आपको यहां लिख देती हूँ, फिर आपको मैं नीचे बताती हूँ कैसे लिखना है। ह से हल या ह से हाथी। कैसे लिखोगे देखिए, मैं थोड़ा बड़ा लिख के दिखाती हूँ। पहले आपको वन स्टिक लगाना है, मूव करना है, यहाँ से थोड़ा अंदर की तरफ टर्न करते हुए आपको बाहर लाइन को टच कर देना है। ये है ह, ह से हाथी, काफी बड़ा लिखा है मैंने, देखिए। फिर से मूव करना है आगे की तरफ और इसे यहाँ से आपको टर्न कर देना है, ह से हाथी। ओके, तो मैंने आपको ये जो है श से षटकोण, श से षटकोण, स से सपेरा, ह से हाथी। इसे भी अगर आपके पास में थ्री लाइन बचते हैं तो आप थ्री लाइन ले लीजिए, अगर आपके पास में ऊपर थ्री लाइन लिखने के बाद और ये लिखने और सेवन नंबर की लाइन लिखने के बाद अगर टू लाइन बचती है तो आप सिर्फ टू की लाइन लिखें, ठीक है। तो हम इन सब चीजों को रिपीट करते हैं। सिक्स नंबर पे या से यज्ञा, र से रथ, ल से लट्टू, व से वह। फिर से देखिए य र ल व। ओके, य र ल व। श से शलगम, श से शकुन, स से सपेरा, ह से हाथी। श सॉरी श श स ह, श श स ह। तो आज बेटा मैंने आपको य से और ह तक जो थे व्यंजन लिखाए हैं। अब हमारे जो ये व्यंजन थे वो पूरे मैंने आपको सेवन लाइन लिखा दिए और ये पूरी सेवन लाइन जो है आपकी व्यंजन कम्प्लीट हो चुके हैं। इसके बाद जो आप सबसे क्षत्रिय, त्रिशूल और य से ज्ञानी लिखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ओके,